छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को नागपुर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार की हम निंदा करते हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। बिल्कुल गलत है। यदि वहाँ जिस प्रकार से घटनाएं घटी और जिस प्रकार से मंदिर को नुकसान पहुँचाया गया, हिंदुओं के साथ उनकी हत्याएं की गई, उसकी हम निंदा करते हैं। और किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है जहाँ अल्पसंख्यक को उसकी सुरक्षा दे, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। वहाँ हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक हैं तो उनकी रक्षा करने बांग्लादेश की जिम्मेदारी है। चूँकि आपको याद होगा जिस समय आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, राहुल गांधी जी खुद गए थे, खड़गे जी थे, सारे हमारे लीडर जाके देश के एकजुटता वहाँ प्रदर्शित की गई कि हम जो भी देश फैसला करे इस संकट के समय में हम सब साथ हैं, पूरा देश एक साथ है। वहाँ पे अल्पसंख्यक अपने देखिए पहले दिन सुनो तो भाई, अब जब आपको जिम्मेदारी दे दी गई, किसको जिम्मेदारी दी, सारे दल के लोग मिलके जब सरकार पर विश्वास व्यक्त करते उसे जिम्मेदारी दे दी गई तो जो भी एक्शन लेना है वो भारत सरकार को लेना है। और भारत सरकार जो भी एक्शन लेगी हम सब साथ हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग साथ हैं। अब ये जो सोशल मीडिया जो चल रहा है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी।